नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार बांगा और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल 3D Imaginations। कि किचन के एनवायरनमेंट को अगर आपको अच्छा दिखता हुआ चाहिए, आपको अच्छा लुकिंग वाइज अच्छा चाहिए किचन आपको, तो आपको फ्रेंड्स उसका लुक बढ़ाने के लिए फॉल सीलिंग जरूर करानी चाहिए किचन के अंदर। अगर हम फॉल सीलिंग नहीं कराते हैं फ्रेंड्स किचन के अंदर, तो जब हम कुकटॉप पर काम कर रहे होते हैं यानी काउंटर टॉप पर, जब हम कभी चॉपिंग करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, हम लोगों को लाइट के प्रपोर्शन की बहुत बड़ी कमी नजर आती है। क्योंकि जब हम फॉल सीलिंग नहीं कराते तो हम लोग दीवार पे बल्ब या ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो उसकी जो लाइट होती है फ्रेंड्स वो बहुत कम एरिया में फैलती है। हमें जो किचन के टॉप पे लाइट चाहिए उसके लिए फॉल्स सीलिंग होनी बहुत जरूरी है। सीलिंग में जब आप लाइटें प्लान करते हैं तो वो टॉप से जब लाइटें नीचे पड़ती तो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में पूरे किचन के अंदर इल्यूमिनेशन फैलाती हैं किचन की। तो किचन में आपको अगर प्रॉपर अच्छी लाइटिंग चाहिए तो फॉल्स सीलिंग जरूर प्लान करके चलें फ्रेंड्स। सेकेंड बात, आपको फ्लोर टाइल्स जरूर लगवानी चाहिए। आपको कभी भी किचन के अंदर पत्थर नहीं लगवाना चाहिए। मेरी सजेशन से आपको किचन में हमेशा टाइल्स लगानी चाहिए। टाइल्स भी विट्रीफाइड लगवानी चाहिए। विट्रीफाइड टाइल्स क्यों लगवानी चाहिए? विट्रीफाइड टाइल्स जो होती हैं फ्रेंड्स वो दाग एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। दाग एब्जॉर्ब करने का मतलब कोई भी स्टेन्स वगैरह अंदर नहीं सोख लेती। किचन का काम है फ्रेंड्स, उसमें कभी हल्दी गिर गई नीचे, गीली हल्दी, या कोई सब्जी गिर गई, कोई सब्जी की ग्रेवी नीचे गिर गई, या कोई लाइक कुछ भी कलर वगैरह नीचे गिर गया कुछ भी, तो फ्रेंड्स क्या होता है, पत्थर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपके जो लाइक सब्जी की ग्रेवी है या कोई हल्दी है या किसी चीज़ का भी दाग, वो स्टेन्स अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उतनी जगह पे स्पॉट बन जाएगा, उस कलर को पी गया। जबकि टाइल्स जो होती है विट्रीफाइड होती है, वो फ्रेंड्स कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हमेशा किचन में टाइलें प्लान करें फ्लोर पर, और सीलिंग में फॉल सीलिंग जरूर प्लान करके चलें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग फैन की, कि किचन में फैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। किचन में फ्रेंड्स फैन लगा सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्या माइनस पॉइंट आता है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं जो फ्लेम्स होती हैं वो फ्लेम्स डिस्टर्ब होती हैं। अब आपने कुछ रखा है कुकर पे, फैन चल रहा है, तो वो आपकी जो फ्लेम है उसकी फ्लेम डिस्टर्ब होती रहती है। ये माइनस पॉइंट होता है सीलिंग फैन के अंदर। तो आप क्या करते हैं, उस फैन को बंद कर देते हैं। सेकेंड प्रपोर्शन में क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल किचन में काम कर रहे हैं और कुकिंग हो रही है, आप गर्मी में खड़े हैं। मैं जो प्लान करता हूं, मैं जो कोशिश करता हूं कि सीलिंग फैन के साथ साथ वॉल फैन जरूर प्लान करके चलता हूं। अगर सीलिंग फैन देना है दीजिए, लेकिन एक वॉल फैन का प्रपोर्शन जरूर लेकर के चलिए साथ में, कि इनके साथ सीलिंग फैन बंद कर देते हैं तो वॉल फैन में आपने जिधर उसका फेस रखना है वॉल फैन का, उस तरफ फेस करके एटलीस्ट आप किचन में वर्किंग कर सकते हैं। और आगे अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि किचन बनाने के बाद जो हम किचन के टॉप पे जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। और ऑलवेज आप ट्राई करिए फ्रेंड्स कि आप किचन पर ग्रेनाइट ही लगाइए टॉप पर, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं है हम डिज़ाइन करते समय हम लोग कोरियन भी प्लान करते हैं, लेकिन उसके माइनस पॉइंट्स भी हम लोग उसके जरूर कस्टमर को बता के चलते हैं। वो आपका नेचुरल टॉप नहीं, नेचुरल ग्रेनाइट नहीं है, तो उसके ऊपर जब भी आप कोई गर्म बर्तन रखते हैं वो नीचे क्या होता है, लाइक हीट से उसका सरफेस जो है वो गल जाता है, बैठ जाता है, या स्टेन पकड़ लेता है नीचे की तरफ, उसका सरफेस जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो हमेशा कोरियन वगैरह आप जब भी यूज करें टॉप पर, मैं मना नहीं कर रहा हूं नहीं यूज करिए, करिए टॉप, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस रखिए कि जब भी आप उसको आप उतार के पैन को टॉप पे रखें तो नीचे जो आपके स्टील के स्टैंड्स होते हैं वो स्टैंड जरूर रखिए, पहले स्टैंड्स रखिए देन उसके ऊपर टॉप रखिए। डायरेक्ट कोई भी पैन उतार के उसके ऊपर टॉप पे मत रखिए कोरियन पर। थर्ड चीज फ्रेंड्स मैं बात करूंगा सामने बैक स्प्लैश एरिया की, यानी टाइल्स वाले एरिया की। जो फ्रंट का टाइल्स वाला पार्ट है, जो आप फ्रंट पे टाइल्स लगाते हैं, उस जगह पर भी आजकल कोरियन लगा लेते हैं कई क्लाइंट्स, कई जगह पर वहां पे लैकर्ड ग्लास भी प्लान कर लेते हैं, कई वहां पर फ्रेंड्स ग्रेनाइट भी लगा लेते हैं। तो कोई इशू नहीं, ग्रेनाइट आप लगा सकते हैं, लैकर्ड ग्लास भी लगा सकते हैं। बट लैकर्ड ग्लास का क्या माइनस पॉइंट होता है फ्रेंड्स, कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह आप लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्विच के ऊपर जब भी कोई आप लाइक रिपेयरिंग करने के लिए प्लेट उतारते हैं या कभी कुछ रिपेयर करते हैं, तो जैसे ही वो ज़्यादा टाइट करते हैं उसको, तो टाइट करने से ग्लास में क्रैक आ जाता है फ्रेंड्स, लैकर्ड ग्लास में। ये मैंने खुद भी किचन्स बनाई हैं, तो लैकर्ड ग्लास में मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा केयर मांगती है, हाई मेंटेनेंस किचन है अगर आपने लैकर्ड ग्लास बैक स्प्लैश पे प्लान किया है। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स आ गए हैं फ्रेंड्स आज की डेट में मार्केट में, तो आप टाइल्स प्लान करिए बैक स्प्लैश एरिया पे, टॉप पे अच्छा ग्रेनाइट प्लान करिए फ्रेंड्स। एट दी टाइम ऑफ प्लानिंग, जब आप घर का लेआउट प्लान करा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको किचन में विंडो की लोकेशन देखनी बहुत जरूरी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में किचन में हम लोग विंडो वहां पर प्लान कर देते हैं जहां पर हमें कुकिंग करनी होती है, और फिर जब फिनिशिंग का पार्ट आता है तब हम उस विंडो को काट रहे होते हैं, छोटी कर रहे होते हैं, या लेफ्ट और राइट कर रहे होते हैं। हम लोगों को प्लानिंग के टाइम पे ही उस विंडो को प्लान करके चलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक 4 फीट की 5 फीट की विंडो बिल्कुल ठीक सेंटर में प्लान कर देते हैं जहां पर हमें कुकिंग करनी होती है।
जो भी आपकी कुकिंग वाली वॉल है उस वाली वॉल पर अगर आप विंडो ले रहे हैं तो आपको राइट में या लेफ्ट में प्लान करनी चाहिए। विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किचन में जब आप विंडो बहुत बड़ी प्लान कर देते हैं तो जो आपके ओवरहेड कैबिनेट होते हैं, यानी कि जो आपके स्लिप के ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो स्टोरेज कम हो जाती है। तो जितनी नीड है उतनी वेंटिलेशन के लिए विंडो रखें। कोशिश करें 2.5x4 की विंडो रखें। 840 mm पे तो आपका टॉप आ जाता है किचन का, यानी कि 32 इंच पे टॉप आ गया। अब इसके बाद लगभग आपको करीब 10 से 12 इंच की जगह छोड़नी चाहिए, 10 से 12 इंच की, कि विंडो के नीचे अगर कोई पैन पड़ा है, कोई आपका भगोना पड़ा है, तो आप उसका जब अगर दरवाजा कल को अंदर खोलते हैं तो वो दरवाजा आपका उस भगोने में टच नहीं होना चाहिए, वो इजीली आपका दरवाजा खुल जाए, वो जगह खराब ना करे विंडो खोलते समय, इसलिए उसको थोड़ा सरफेस से उठा के रखा जाता है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। विंडो को अननेसेसरी बहुत बड़ा ना बनाएं, मैक्सिमम 2 फीट 2.5 फीट का रखें, कि आपकी वेंटिलेशन, आपको एक बाहर की सनलाइट मिल जाए, आपकी एयर क्लियर हो जाए। आपको सफोकेशन फील हो रही है तो आप मैश वाले डोर को खोल करके या मैश वाले डोर को ओपन रख के ग्लास वाले डोर को खोल के आप एयर सर्कुलेट करके सफोकेशन को दूर कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय।